कुशीनगर जनपद के विकासखंड खरदा अंतर्गत ग्राम सभा चमररिहा स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य भवन में 1 अप्रैल 2020 से क्वारंटाइन के दौरान रह रहे 3 युवकों को ग्राम प्रधान द्वारा कोई सुविधाएं न पहुंचाने की बात को लेकर क्वारंटाइन में रह रहे युवकों ने हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर अपनी व्यथा बताई। उसके बाद भी सुविधाओं से विरक्त रहे युवकों ने बताया कि हमें सोने उठने बैठने के लिए चारपाई और दरी चद्दर भी घर से मंगाना पड़ा तथा पेट की आग मिटाने के लिए घर से सहायता लेकर खाना भी मंगानी पड़ी। यह देख भी ग्राम प्रधान द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। अचानक गुजौली खुर्द में क्वारंटाइन के दौरान रह रहे लोगों द्वारा खाने पीने की व्यवस्था का विरोध करने में SC ST एक्ट की धारा पंजीकृत और सरकारी लाभ मिलने की लालच ने ग्राम प्रधान के दिमाग में एक कूटनीतिक युक्ति प्रवेश कर गई, जिससे प्रेरित होकर 13 अप्रैल 2020 को विद्यालय के रसोइयों द्वारा विद्यालय परिसर में रोटी सब्जी बनवाकर क्वारंटाइन में रखे गए युवकों को खिलाने की बात सामने आई। लेकिन क्वारंटाइन में रह रहे युवकों ने SC ST मुकदमे के डर के मारे इसका विरोध नहीं किया और चुपचाप खाना खा लिया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी खड्डा से संपर्क साधने पर बताया कि जांच के दौरान ही कार्रवाई हो सकेगी। माने तो युवकों का कहना असत्य हो सकती है, लेकिन जांच अपनी सत्य की राह पर चल रही है, यह एक प्रश्न बना हुआ है। घर कहाँ आपका? चमड़िया में। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो बिस्तर उत्तर है वो आपको किसने दिया है? बिस्तर हम लोग अपने घर से लेकर आए। अपने घर से लेकर आए जी। प्रधान जी के द्वारा क्या क्या दिया गया? प्रधान जी के द्वारा अभी केवल मतलब रूम खुलवा दिया गया है। आज खाना बन रहा है। आज खाना बन रहा है? पहले दिन खाना बन रहा है जी। अच्छा, कितने तारीख से आप यहाँ रह रहे हैं? पहली तारीख से रह रहे हैं। पहली अप्रैल से जी। जी अच्छा, कहाँ रहते थे इससे पहले? इससे पहले हम लोग नेपाल थे। नेपाल थे जी। नेपाल से आए थे जी। तो उस दौरान आपको ये क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया गया जी। कोई लक्षण पाया गया था आपके? नहीं, चेक करा के कोई लक्षण नहीं पाया। कोई लक्षण नहीं पाया? नहीं। और कोई सुविधा मिली है प्रधान जी की तरफ से? नहीं, और कोई सुविधा नहीं। नहीं मिली है? आपका? अशोक यादव। अशोक यादव। घर कहाँ आपका? कड़ियाना चमड़िया। अच्छा, ये बताइए क्वारंटाइन में जो आपको रखा गया है इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है? सुविधा तो अपने तरफ से हम लोग किए हैं, खटिया चरपाई जो भी है अपने घर से लेकर आए। अच्छा, अपना घर से लेकर आया। खाने पीने की व्यवस्था आपकी हुई है? घर से आया, आज बन रहा है स्कूल में। अच्छा, आज पहला दिन खाना बन रहा है। तो ये बताइए कि सरकारी सुविधा कोई मिली है? सरकारी सुविधा तो अभी नहीं मिली है। कोई सुविधा नहीं मिली है? कितने तारीख को आप क्वारंटाइन से में रह रहे हैं? पहली तारीख से 1 अप्रैल से। अच्छा, और कोई सुविधा आपको मुहैया कराया गया है? वो चेकअप सब हो गया। चेकअप हम लोग गए थे अस्पताल में, बला चेक करा के हम लोग आए। अच्छा, खुद ही चेक कराने गए थे? कोई नहीं आया तो हम चले। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। इस क्वारंटाइन सेंटर में कितने दिन से रह रहा है? हो गया 13 दिन। कितने तारीख को आए थे? 1 तारीख को। 1 अप्रैल हाँ 2020 में। हाँ। अच्छा, तो तब से लेके आपको क्या क्या चीज़ सरकार द्वारा मुहैया हुई है और क्या अपने पास से लगाए हैं आप लोग बताएं? बस एक डॉक्टर आए थे यहाँ पे, वही चेकअप हुआ, उसके बाद कोई आया गया नहीं। अभी कोई आया गया नहीं? नहीं। कोई सरकारी सुविधा उधर? कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला है। और ये बिस्तर उस्तर जो है वो घर से लेकर आए हैं? चारपाई घर से ही लाए हैं। घर से ही लाए हैं? हाँ, सब घर से ही लाए हैं। अच्छा, आज जो खाना बन रहा है आपके वहाँ, तो रोज बनता है? रोज नहीं बनता, आज से बन रहा है। आज से बन रहा है? हाँ। आज पहला दिन है? पहला दिन है। घर कहाँ है आपका? अच्छा, ये बताइए आप इस विद्यालय में खाना बनाती हैं? रसोइयाँ हैं? कब से खाना बनाती हैं? अच्छा, ये बताइए ये जो क्वारंटाइन सेंटर में इस क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग खड़े यहाँ पे लाए गए हैं जिसे कोरोना वायरस के पीड़ित जो लोग हैं इनको लाया गया है, तो इनको कितने दिन से खाना बना के खिला रही हैं? आज बनाई है? आज पहला दिन है? पहले दिन खाना बना खिला रही हैं। आपका घर कहाँ है आपका? अच्छा, ये बताइए विद्यालय में रसोइयाँ हैं आप? अच्छा, कितने दिन से खाना बनाती हैं विद्यालय में? 10 वर्ष हो गए। 10 साल से? हाँ। अच्छा, ये बताइए ये क्वारंटाइन सेंटर में जितने लोग रखे गए हैं, हाँ, कोरोना संदिग्ध लोग, हाँ, इनको 14 दिनों के लिए रखा गया है, हाँ, तो इन लोगों के लिए कितने दिन से खाना बना रही हैं? आज मिला बना, तो आज बना दूसरा दिन कहीं ना कहीं को हाल है। आज पहला दिन मिला है? हाँ।
तो आज इन लोगों को रहते हुए 13 दिन हो गए, आज 14वां दिन है, तो 14वां दिन आज पहली बार खाना बन रहा है। क्या क्या बन रहा है खाने में? रोटी सब्जी बोला था। रोटी और सब्जी और कुछ भी है? सब्जी में क्या क्या है, किस चीज़ की सब्जी है? बैंगन बा, प्याज, आलू। हाँ, आलू प्याज बैंगन। आलू प्याज और बैंगन और कुछ है ना? गाजर वाजर और सलाद में। हाँ, सलाद। अच्छा, आज कितना तारीख है जानती हैं? आज 13 है। आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल 2020 है आज। ग्राम प्रधान है आप? प्रधान पति चमलडीहा। चमलडीहा के। अच्छा, ये बताइए जो क्वारंटीन सेंटर में लोग रखे गए हैं, कितने लोग रखे गए हैं? 3 आदमी हैं। 3 आदमी रखे गए हैं, आपके ग्राम के ही हैं? जी जी। अच्छा, उनका जो देखभाल चल रहा है वो 14 दिनों के लिए था जी, आज 13 तारीख है, तो इन बीच में उनको क्या क्या दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं? शुरू में आए 1 तारीख को तो हमको सूचना मिला, तो उन सबों को हम बिस्तर उस्तर सब भिजवाए और खाना की व्यवस्था कराए, तो कहे लोग कि ऐसा है कि नहीं, हम लोग घर से खाना खाएंगे। हम कहें क्यों, अब सुबह खाएंगे। फिर सुबह हम गए उन लोगों को खाना बनवाने के लिए, तो कहे कि ऐसा है कि मनो खोल कर नहीं कहे, दूसरे से कहे, दाइयों से और लोग कि भाई अनुसूचित जात के यहाँ के भोजन हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा है कि हम लोग अपने घर खा रहे हैं। उसके बावजूद मैं बार बार इन लोगों को प्रयास किया खाने के लिए, लेकिन लोग नहीं खाए। लेकिन फिर कल से भोजन बीच में भी 2 दिन बना है, कल भी बना, आज भी बनवा कर मैं खिलवा रहा हूँ, और क्या नाम है, ज़बरदस्ती किसी तरह से खा रहे हैं लोग। क्वारंटीन में रहने वालों का यह कहना है कि अभी तक हमको कोई भी सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हुई, और जो कुछ भी है वो हम घर से मंगवाए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा बिस्तर उस्तर हम सब दिए थे, सारा व्यवस्था उन लोगों का किए थे, पंखा बिजली सारा व्यवस्था है, बिस्तर भी दिए थे, बिस्तर हटा दिए होंगे, लेकिन उन लोगों का व्यवस्था था। तो आज रसोइयों द्वारा खाना बनवाया जा रहा है? जी जी, बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? रोटी सब्जी बन रहा है, वो लोग कहे कि रोटी सब्जी आज खाएंगे, तो रोटी सब्जी बनवा दे रहे हैं। सब्जी में क्या क्या बनवा रहे हैं? ये आलू है, प्याज है, टमाटर है, वो बैंगन है, मिर्चा वगैरह, मूली है, ऐसा। इनका चेकअप कब होने वाला है, आज होने वाला है या कल होने वाला है? अब देखिए, सरकारी अस्पताल में वो बात करना पड़ेगा डॉक्टर साहब से, आज कर रहे हैं कि कल जब चेक होगा उसके बाद हम आपको सूचना दे देंगे। तो फिर इन लोगों को मतलब सरकारी अस्पताल से जांच करवाने के बाद ही? हाँ, सरकारी अस्पताल जांच करने के बाद ही इन लोगों की छुट्टी की जाएगी। क्या नाम है आपका सर? हमारा नथनी प्रसाद है। आज दिनांक कौन सा है? आज 13 क्या 13/4/2020। ठीक।